Good morning, students. Grade 3 students, take out for discovering Hindi book. Open your book, page number 83. अभ्यास 1. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आपको इन प्रश्नों के उत्तर जैसा मैम ने लिखा है, as it is आपको भी लिखना है. प्रश्न क, रामदास की दिनचर्या क्या थी? क्या थी रामदास की दिनचर्या? पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता. क्या करता था वो? वह, यहां लिखना है आपको वह, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता, कोमा, पेड़ों से आम इकट्ठा, ये टमाटर का आधा है, इकट्ठा करता, कोमा, नए पौधे लगाता, कोमा, पुराने पेड़ हटाता. उसकी दिनचर्या यही रहती थी. समझ में आया? उसकी दिनचर्या यही रहती थी. प्रश्न 2 देखिए अब आप. ख नंबर वाला प्रश्न. नए पौधे के साथ रामदास ने क्या किया? रामदास ने पौधे के चारों ओर बाण लगा दी. जो नया पौधा था उसके चारों ओर बाण लगा दी. ग नंबर का प्रश्न देखिए. नन्ना पौधा किस बात से परेशान था? किस बात से परेशान था? वह बाण में बंद करने की वजह से परेशान था. घ वाला प्रश्न देखिए. पेड़ उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? पेड़ ने उससे कहा, पेड़ ने उससे कहा कि यह बाड़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है. बाड़ में समझते हैं ना, लोहे के तार का गोल घेरा, जिसे पौधा उगाने पर उसके अंदर कोई भी गाय बकरी अंदर प्रवेश न कर पाए और उस पौधे को नहीं खा पाए. तो पौधों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है वो घेरा. प्रश्न अण. इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? इस कहानी का मुख्य भाव क्या है बताइए? हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए. प्रश्न 2 देखिए. दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए. लिखा है नन्ना पौधा बहुत जिद्दी था. राइट है या रॉन्ग? राइट. ख पर देखिए. पेड़ भी रामदास से बहुत नाराज था. रॉन्ग. ग देखिए. रामदास ने बाण पौधे की सुरक्षा के लिए लगाई थी. राइट. पौधे की सुरक्षा के लिए लगाई थी ना, जैसा मैम ने टिक कर रखा है, एज इट इज आपको भी करते जाना है. घ वाला देखिए. नन्ने पौधे को बकरी खा गई. राइट. अण देखी. पौधे की हालत देखकर पेड़ को बहुत खुशी हुई. रॉन्ग. पेड़ को तो बहुत दुख हुआ था. बाढ़ से बाहर आते ही नन्ना पौधा बहुत दुखी हुआ. रॉन्ग. वो तो बहुत खुश हुआ था. छ वाला देखिए. रामदास के पास आम का एक बाग था. राइट. पेज नंबर 83 के प्रश्न कंप्लीट होते हैं. आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं और राइट रॉन्ग टिक कर लिया आपने. ओके, नेक्स्ट पेज देखिए. अब आप पेज नंबर 84 पर देखिए. अवधारणा क्या है? ये अवधारणा संबंध विशेषण. यहां लिखा है विशेषण. अब आप देखिए, ये माली पौधा उगा रहा है, ये चित्र देखा आपने, और बाग भी क्या लगे हुए? आम के, आम लगे हुए इस आम के पेड़ पर. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. ऊपर दिए गए चित्र में क नंबर पे लिखा है रामदास नन्ना पौधा लगा रहा है. कैसा पौधा लगा रहा है? नन्ना पौधा. मैंने आपको डिस्कवरिंग बुक में सिखाया है ना, जब हम पाठ पढ़ रहे थे तब. ख पर देखिए. पेड़ पर मीठे फल लगे थे. पेड़ पर मीठे फल लगे हैं. अब इन दोनों में जो एक डार्क कलर से गहरे रंग से जो लिखा है नन्ना और मीठे, क्यों लिखा है? अब देखते हैं क्यों लिखा है. आगे देखिए. उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द नन्हा, या नन्ना पे टिक कीजिए आप, और मीठे, मीठे के नीचे अंडरलाइन कीजिए. अंडरलाइन करना नन्हा और मीठे के नीचे. पौधे और फल की विशेषता अर्थात गुण बता रहे हैं. ऐसे शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. जैसे पौधा कैसा है? नन्हा. फल कैसा है? मीठा. तो ये क्या बता रहे? विशेषता बता रहे. अतः
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण रंग आकार, अंडरलाइन कीजिए, गुण रंग आकार मापतोल संख्या आदि के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। नेक्स्ट पेज पर देखिए 85 पर। विशेषण के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। देखिए गुण दोष संबंध, गुण और दोष संबंध देखिए क्या होता है। मोहन एक मेहनती व्यक्ति है। मोहन कैसा व्यक्ति है? मेहनती। बकरी बहुत चालाक थी। चालाक से क्या हो गया? दोष आ गया। गुण क्या था? मेहनती। अंडरलाइन करते जाइए आप, मैम जैसे कर रहे हैं ना वैसे आप भी करते रहिए। रेखांकित करना है मतलब आपको। बकरी बहुत चालाक थी। रामदास ने एक छोटा सा पौधा लगाया। क्या लगाया? एक छोटा सा पौधा लगाया। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों के नीचे अंडरलाइन कीजिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब आकार संबंधी देखिए आप, यह आकार था छोटा और बड़ा, ऊपर क्या था? गुण और दोष। अब रंग संबंधी देखिए, आम का रंग पीला होता है। आम का रंग कैसा होता है? पीला। अंडरलाइन कीजिए अभी, डाली पर काली कोयल बैठी है। कैसी कोयल है? काली। तो ये क्या बताया इनका रंग? बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये क्या चीज है? माप और तोल। माप मतलब लंबाई, तोल मतलब वजन। बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। तोल बता दिया यहां पर 1 किलो, यहां था 1 किलोमीटर। अंडरलाइन किया आपने? समझ में आया आपको? पहले क्या बताया? गुण और दोष। गुण मेहनती बताया, दोष क्या बताया? चालाक। आकार क्या बताया? छोटा, और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रंग बताया पीला और काला। माप तोल में क्या बताया? 1 किलोमीटर दूरी और 1 किलो टमाटर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट पेज देखिए। अब पेज नंबर 86 पर देखिए ऊपर, संख्या संबंधी। संख्या मीन्स नंबर। पेड़ पर बहुत से आम लगे। बहुत से बहुत ज्यादा मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं। रिया के हाथ में 5 गुब्बारे। देखिए 5, इनको हमने काउंट किया, गिना ना हमने इनको। रिया के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। अब अभ्यास 2 देखिए आप। अभ्यास 2 में दिए गए चित्रों को देखकर उनके लिए एक एक विशेषण शब्द लिखिए। एक एक विशेषण शब्द लिखना है। जैसे ये पिक्चर किसकी है? चित्र किसका है? हरी पत्तियां। तो इसका रंग क्या है? हरे पत्ते। ये क्या है? कमीज है। कौन से रंग की? लाल रंग की। लाल कमीज जैसा मैम ने लिखा है, एज इट इज लिखते जाना है आपको। ग नंबर पर देखिए, ये फल रखे हैं। फल कैसे हैं? ताजे फल। कैसे हैं? ताजे फल। ग घड़ी पर देखिए, तेज बारिश। क्या हो रही है? तेज बारिश हो रही है। अणा देखिए, मोटा लड़का। लड़का कैसा है? मोटा लड़का। ये बिल्लियां कितनी है? 2 बिल्लियां। यहां पर चंद्रबिंदु लगाना है आपको। समझ में आया? नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 87। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। आपको विशेषण लिखना है। क नंबर पे लिखा है, रामदास बहुत पतला है। तो पतला लिखिए यहाँ पे, प त ला। कैसा है? पतला। उसकी विशेषता अंडरलाइन कीजिए आप। ख नंबर पे देखिए, फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट के नीचे अंडरलाइन कीजिए, समझ में आ रहा है आपको? ग गमले वाला देखिए, हमारी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। कितने हैं? 30 के नीचे अंडरलाइन कीजिए और इसको आपको यहां लिखना है 30। संख्या बताई गई यहां पर, मैं रोज 1 सेब खाता हूं। यहां भी संख्या है 1, 1 के नीचे अंडरलाइन, 1 सेब खाता हूं। जो डेली 1 सेब खाते ना, वो डॉक्टर से दूर रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। अणा देखिए, मनोज के पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। छोटा या बड़ा? आकार बता दिया इसके अंदर, बड़ी। पिंजरे में बैठा तोता हरी मिर्च खा रहा है। कैसी मिर्च खा रहा है? हरी। उसकी विशेषता आ गई। समझ में आया? प्रश्न नंबर 3 देखिए। नीचे विशेषण की एक छोटी सी कक्षा है,
जिसकी हर पंक्ति में तीन तीन गुण विशेषण बैठते हैं, तीन तीन विशेषण बैठते हैं। आज न जाने कैसे हर पंक्ति में एक विशेषण को हटाकर संज्ञा शब्द आ घुसा है। विशेषण शब्दों में से गुलाबी रंग भरिए और संज्ञा शब्द को पहचानते हुए उसमें नीला रंग भरते हुए उसे कक्षा से अलग कर दीजिए। समझ में आया आपको? तो आप गुलाबी रंग भरना है आपको, कहाँ भरना है गुलाबी रंग? विशेषण शब्दों में, और संज्ञा शब्द को पहचानते हुए उसमें नीला रंग भरना है। गुलाबी और नीला पहचानते हैं आप? देखिए ये गुलाबी रंग है और ये नीला रंग है, ये गुलाबी रंग है और ये नीला रंग है, देखा आपने? आपको क्या करना है, जो विशेषण है उसमें गुलाबी रंग भरना है। तो भरिए आप गुलाबी रंग किस किस में भरेंगे, पहले तो क नंबर की लाइन रीड कीजिए आप। क पे लिखा है मोटा, भारी, लंबा, आदमी। अभी मोटा क्या है? विशेषण है। भारी भी विशेषण है, लंबा भी विशेषण है, आदमी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो संज्ञा में क्या करना है आपको? नीला रंग भरना है और विशेषण में गुलाबी रंग, गुलाबी रंग भरिए यहां पे आप। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैम फील कर रही ना, ऐसे आपको भी अपनी बुक में फील करना है। अभी नीला रंग भरिए, किसे भरेंगे आप? संज्ञा में। संज्ञा पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां व्यक्ति का नाम आया, व्यक्ति आदमी आ गया। समझ में आ रहा है आपको? जैसा मैम ने फील किया है ना, एज इट इज आपको भी करना है। अब मैं आपको ये एच डब्ल्यू दे रही हूं, आपको घर पर करना है पूरा वर्क। मैम ने आपको वन समझा दिया है, ख ग घ अण और च, यह आपको घर पर फिल करना है। एच डब्ल्यू लिखिए आप लोग। पेज नंबर 88 पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रश्न 4 है, उचित विशेषण लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। क पर लिखा है राजू एक लड़का है। अब देखिए चित्र में राजू दिख रहा है आपको, दिख रहा है राजू? इस चित्र में राजू दिख रहा है। राजू कैसा लड़का है? राजू बहादुर लड़का है। राजू एक बहादुर लड़का है। समझ में आया? जैसे मैम ने लिखा है, जैसे आपको लिखना है, खाने में हमें रिक्त स्थान सब्जियां खानी चाहिए। कैसी सब्जियां खानी चाहिए? ताजी। लिखा आपने? जैसे मैम लिख रहे हैं, इसे वह रोज किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चल रहा है? एक दो, आप लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर पैदल चलता है। घ पर लिखिए, सब्र का फल कैसा होता है, जल्दी बताइए। मीठा, मीठा होता है। मैम ने आपका टेस्ट लिया, चेक करने में मैम को टाइम लग गया, आपको वेट करना पड़ेगा ना। तो क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है। मोहन ने कमीज पहन रखी है, ये मोहन है, इसने कमीज कैसी पहन रखी है? पीली। समझ में आया आपको? ओके, जैसा मैम ने लिखा, ऐसे चीज लिखा आपने, क ख ग घ अण पर रिक्त स्थान पूरे हो गए, वाक्य पूरे हो गए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को रंगीन पेंसिल से गोला लगाइए। तो आपको एक रंगीन पेंसिल लेनी है, जो आपकी इच्छा हो उससे गोला लगाना है। प्रश्न 5 आपने रीड किया, जो विशेषण शब्द है उस पर रंगीन पेंसिल से गोला लगाना है। कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, अब बताइए किस पे गोला लगाएंगे आप? कक्षा में 3 या विद्यार्थी? 3, वेरी गुड। तो आप पिंक कलर की पेंसिल या कोई से भी पेंसिल या कलर ले लीजिए, उसको सर्कल कर दीजिए आप, ऐसे जैसे मैम कर रहे हैं ना, ऐसे करते रहिए। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, कहाँ लगाएंगे? वेरी गुड, पता है आपको बहुत सारी पे लगाना है, क्योंकि ये संख्या को बता रहा है। ग नंबर पर देखिए, उसे चालाक लोमड़ी की कहानी पसंद है। चालाक लोमड़ी पर, चालाक पर लगाइए। चालाक क्या हो गया? गुण या दोष। समझ में आया? तुम्हें कच्चा अमरूद नहीं खाना चाहिए। कैसा? कच्चा। कच्चा पे सर्कल कीजिए, गोला लगाइए आप रंगीन पेंसिल से। अणा पर लिखा है, पेड़ पर पीले आम लगे हैं। पीले, पीले के ऊपर क्योंकि रंग आ गया यहां पर।
गोला लगाया हमने। आपको समझ में आया क नंबर पे क्या है? कक्षा में तीन विद्यार्थी, तीन क्या होगी संख्या। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी क्या हो गया आकार, बहुत सारी हो गई। ग पर उसे चालक लोमड़ी की कहानी पसंद है, चालक क्या हो गया उसका दोष हो गया, तुम्हें कच्चा अमरुद नहीं खाना चाहिए उसका क्या हो गया गुण या दोष वाला यहां भी आ गया। पेड़ पर पीले आम लगे, पीला क्या आ गया रंग आ गया उसका। समझ में आ गया? निम्न शब्द के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, आपको ये वाक्य बनाने हैं। देखिए वाक्य प्रयोग, चीनी चीनी मीठी होती है, कैसी होती है चीनी, अंडरलाइन कीजिए जो शब्द रिपीट होते हैं, चीनी मीठी होती है, सब्जी हमें ताजी सब्जी खाना चाहिए, हमें रोज ताजी सब्जी खाना चाहिए। कोयल, कोयल का रंग, सब्जी के नीचे आपको ऊपर अंडरलाइन करना है, कोयल, कोयल का रंग काला होता है, कैसा होता है कोयल का रंग काला होता है, या कोयल कूक रही है, कुछ भी, कोयल कूक रही है या कोयल का रंग काला होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोयल कूक रही है, मैंने क्या लिखा है कोयल कूक रही है। आदमी, वह आदमी लंबा है, वह आदमी लंबा है। दूध, दूध का रंग सफेद होता है। समझ में आया? ये वाक्य प्रयोग आपको करने हैं, यहाँ आपका पार्ट 7 नन्ना पौधा डिस्कवरिंग बुक में खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपने डिस्कवरिंग बुक में पार्ट 7 नन्ना पौधा पढ़ा और उसका बुक वर्क किया। अब हम नोटबुक में अपनी कॉपी में पार्ट 7 नन्ना पौधा के नए शब्द लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे, जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आपको भी लिखना है। पार्ट 7 नन्ना पौधा नए शब्द, 1 नंबर पर लिखा है व्यक्ति, 2 नंबर पर लिखा है दिनचर्या, 3 पर लिखा है नन्हा, 4 पर उत्पादक, 5 पर सहायता, 6 पर आजाद, 7 पर बाढ़। समझ में आया आपको? जैसा मैंने लिखा है जैसे आपको भी लिखना है। अब हम शब्दार्थ भी करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए पार्ट 7 नन्हा पौधा शब्दार्थ। 1 नंबर पर लिखा है व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स क्या होता है आदमी। दिनचर्या, रोज किए जाने वाले काम, रोज काम जो करते हैं ना हम, रोज किए जाने वाले काम। 3 नंबर पर लिखा है नन्हा, नन्हा मीन्स छोटा। 4 पर लिखा है उत्पादक, उगाने वाला। सहायता, मदद, सहायता मीन्स मदद। आजाद, स्वतंत्र। बाढ़, तारों से बनाया जाने वाला गोला। इस बाढ़ में नन्हे पौधे को बंद कर दिया था ना, पढ़ा था आपने, तारों से बनाया जाने वाला गोला। ओके स्टूडेंट्स, अब हम माय ऑब्जर्वेशन बुक में वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।